हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 6, अंडरस्टैंडिंग आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इससे पहले हम लोगों ने जुडिशरी के बारे में देखा था कि किस तरीके से अगर किसी का कोई भी राइट वॉयलेट हुआ है, फंडामेंटल राइट, जो कि हमने चैप्टर 1 में देखे थे, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में से अगर कोई भी वॉयलेट हुआ है तो हम लोग कोर्ट के पास जा सकते हैं और उसके खिलाफ़ हम केस कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ हमारे साथ गलत हुआ है या किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो वो भी कोर्ट में जा सकता है। तो अब किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम करता है, यही हम लोग इस वाले चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, ये एक ना मतलब डेट बताई गई है 18/7/2006 की ये बात है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो अपार्टमेंट है, मुंबई का एक अपार्टमेंट है, उसमें जो मिसेस शिंदे हैं वो तैयार हो रही थी, और जब वो तैयार हो रही थी तो वो कई मतलब एकदम से परेशान हो गई थी क्योंकि उनकी गोल्ड चेन, सोने की चेन नहीं मिल रही थी और कई घंटों से वो उस चेन को ढूंढ रही थी। अब फिर वो, क्योंकि उन्हें याद था कि उन्होंने ड्रॉअर में रखी है मगर उनको मिल नहीं रही थी। शांति हेम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर पास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो इनके घर ये जो थी मिसेस शिंदे, तो देखिए क्या है, मिसेस शिंदे एक लेडी हैं जो कि मुंबई में रहती हैं, ठीक है, मिसेस शिंदे। और मिसेस शिंदे के घर में ना एक डोमेस्टिक हेल्प, मतलब एक नौकरानी काम करती है जिसका नाम है शांति हेम्ब्रम, ठीक है, शांति उसका नाम है, जो इनके घर नौकर है और काम करती है। तो जो मिसेस शिंदे हैं, इनकी गोल्ड चेन नहीं मिल रही है। मिसेस शिंदे को फिर पूरा विश्वास हो गया कि जो शांति है, उनकी डोमेस्टिक हेल्प मतलब उनके घर जो नौकरानी का काम करती है, उसी ने ही ये सोने की चेन चुराई है। तो अब इनको किसी पार्टी वगैरह में जाना था, वेडिंग में जाना था, शादी में, तो इनके पति ने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को शादी में जाना है। तो फिर ये मिसेस शिंदे कहती है कि मुझे अपनी गोल्ड चेन नहीं मिल रही है, मैंने उसे ड्रॉअर में ही रखा था और अब मुझे वो नहीं मिल रही है, और मुझे पक्का यकीन है, सस्पेक्ट कर रही हूँ मैं, कि मुझे शक है कि शांति ने मेरी जो सोने की चेन है वो चुराई है। वो मेरे रूम की सफाई कर रही थी, वो हमेशा जब भी मेरे रूम की सफाई करती है तो मेरे रूम की सफाई करने में वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती है। तो एकदम से जो है मिसेस शिंदे वो शांति से कहने लगी कि क्या तुमने अब चोरी करनी भी शुरू कर दी है, और वो भी तुमने मेरी गोल्ड की चेन, मेरी सोने की चेन चुराई है, मुझे तुम्हारा ट्रंक मतलब होता है बक्सा, मुझे तुम्हारा जो बक्सा है वो चेक करना है, और उसके बाद मैं पुलिस को बुलाऊंगी ताकि सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ, तो मतलब अगर तुम्हारे पास चेन है तो वापस कर दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फिर मिसेस शिंदे जो हैं वो शांति मतलब उनकी जो डोमेस्टिक हेल्प है, उसका जब ट्रंक चेक करती है ना, तो उस ट्रंक में, उस बक्से में उन्हें 10,000 रुपये मिलते हैं, एक एनवलप में रखे हुए, और वो चिल्लाने लगती है कि शांति ने ही मतलब मेरी चेन चुराई है, वरना इसके पास ये 10,000 रुपये कहाँ से आते, इसने मेरी चेन बेची होगी और चेन बेचने के बाद इसे ये पैसे मिले हैं। फिर शांति कहती है कि साहब, मैं और मेरा भाई जो है ये जो पैसा है ये 1 साल से बचा रहे हैं ताकि हम गाँव में जो है एक बैल खरीद सकें, वी वॉन्ट टू बाय अ बुल वैन वी गो टू आर विलेज, मैडम आई एम इनोसेंट, ठीक है, मतलब जब हम गाँव जाएंगे तो हम वहाँ पर जा कर के बैल खरीदेंगे। और ये फिर कहती है कि मैं मतलब इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इस तरीके से शांति इन लोगों से बोलने लगती है। मिस्टर शिंदे जो हैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि आई हैव कम टू फाइल अ FIR, मैं फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मैं यहाँ पे लिखवाने आया हूँ क्योंकि हमारे घर में चोरी हुई है, मेरी पत्नी की सोने की चेन चुरा ली गई है। अब यहाँ पर सब इंस्पेक्टर राव जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं मिस्टर शिंदे की FIR, मतलब जो सब इंस्पेक्टर राव हैं वो FIR लिख लेते हैं। ये ना सच्ची घटना की हम बात कर रहे हैं पूरी की पूरी। मिस्टर शिंदे जो हैं वो सब इंस्पेक्टर राव के साथ उनके घर वापस आते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि सब इंस्पेक्टर हैं वो बोलते हैं कि आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट्स दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट द थेफ्ट, कि मतलब मिस्टर और मिसेस शिंदे ने जो भी चोरी के बारे में बताया है वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट मैं इसमें लिखूंगा। लेट मी सील द एनवलप, ये जो एनवलप है शांति के जिसमें पैसे हैं, इसको मैं सील करके अपने पास रख रहा हूँ, जिसमें पैसे हैं वो एविडेंस की तरह काम करेगा, और मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ और अरेस्ट करके मैं उसको पुलिस स्टेशन लेकर के जा रहा हूँ। फिर शांति बोलती है कि मतलब मुझे मत ले जाने दो, मैंने चेन नहीं चुराई है, ये बहुत ही मेरी मेहनत की कमाई है जो मतलब आप लोगों ने मेरे बक्से से निकाली है। फिर सुशील जो है शांति का भाई, वो आता है
पुलिस स्टेशन, और मतलब एक तरह से गिड़गिड़ाने लगता है एसआई राव के सामने कि मतलब शांति ने कुछ नहीं किया है, उसको छोड़ दो। फिर उसके बाद जो एसआई होते हैं वो कहते हैं कि हमने उसको अरेस्ट किया है क्योंकि उसने गोल्ड चेन चुराई है, अब जाओ कोर्ट और कोर्ट से जा करके बेल ऑर्डर लेकर के आ जाओ। फिर वो शांति का भाई बोलता है बट मैं मतलब कहाँ से जाऊँगा कोर्ट, कैसे लॉयर को हायर करूँगा, जो हम लोगों की कमाई थी सारी की सारी, जो हमने इतनी मेहनत की कमाई थी वो तो सारी की सारी आप लोगों ने सील कर ली है, वही 10,000 रुपये तो हमारी मेहनत की कमाई थी। अब जो एसआई राव हैं, फिर उसके बाद सुशील को भी पुलिस स्टेशन में रख लेते हैं ज़बरदस्ती 2 दिन के लिए। सुशील को मारा पीटा जाता है और उससे मतलब ज़बरदस्ती ये कन्फेस कराने की कोशिश की जाती है कि शांति और वो उसका भाई दोनों मिलकर के एक गैंग चलाते हैं। मतलब कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि पूरा का पूरा एक गैंग होता है जो पूरे इलाकों में चोरियाँ कर रहा होता है, तो ये इनसे ज़बरदस्ती कबूल करवाने की कोशिश करने लगे पुलिस वाले कि मतलब शांति और सुशील ये दोनों जो है भाई बहन ये गैंग चलाते हैं और ये जो ज्वेलरी सोने चांदी की चीज़ें जो है घरों से चुराते हैं। और काफ़ी इसकी मार पिटाई वगैरह करी गई मगर इसने जो है बार बार शांति का भाई सुशील यही कहता रहा कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ फैक्ट्री में काम करता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। अब डेट आ जाती है 23/8/2006। कोर्ट ने जो है बेल तो ग्रांट कर दी थी शांति को एक महीने बाद, मतलब एक महीने बाद कोर्ट ने बेल दे दी थी, मगर शांति के पास मतलब बेल देने के बाद भी ना कुछ पैसा डिपॉजिट करना होता है, 20,000 रुपये इनको डिपॉजिट करने थे बट इनके पास तो कोई पैसा था ही नहीं कि 20,000 रुपये कहाँ से डिपॉजिट करते जेल में, है ना। तो शांति काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से परेशान थी और अब उसे क्योंकि वो बेल तो उसकी हो गई थी मगर उसको जेल में ही रहना पड़ा, क्यों, क्योंकि उनके पास बेल में के भरने के लिए पैसे थे ही नहीं। अब वो सोचने लगी कि मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया हुआ है फिर भी मैं ज़बरदस्ती मतलब यहाँ पे जेल में पड़ी हुई हूँ, बिहाइंड द बार्स मतलब सलाखों के पीछे हूँ, और मैडम ने मतलब वही सोच रही थी कि मैडम ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया बट मैंने तो ऐसा कुछ भी किया ही नहीं है, एंड द मनी दैट वी हैव सेविंग आई विल एवर गेट इट बैक, क्या जो मतलब 10,000 रुपये इन लोगों ने इतनी मुश्किल से एक साल से ये लोग सेव कर रहे थे, इनकी मेहनत की कमाई थी वो, तो इनके पास वो कहाँ से आएगी। अब आगे की डेट बढ़ती है 14/9/2006 की बात है। द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन मजिस्ट्रेट कोर्ट, अब जो है पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करती है, पहले जो FIR लिखी थी फिर उसके सबके बयान वगैरह लेके पुलिस ने एक चार्जशीट बना दी और मजिस्ट्रेट जो कोर्ट होता है उसमें वो पूरी भेज दी गई। कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति, तो कोर्ट ने एक चार्जशीट जो पुलिस ने बनाई थी वो शांति को उसकी एक कॉपी दे दी और पूरा का पूरा विटनेस वगैरह जो भी है मतलब स्टेटमेंट वगैरह थे सब कुछ की कॉपी एक शांति को दे दी गई। शांति ने कोर्ट को कहा कि उसके पास कोई लॉयर नहीं है और मतलब उसके खिलाफ जो ये केस है ये झूठा है, उसने कोई भी चोरी नहीं की है। मजिस्ट्रेट ने एक एडवोकेट अपॉइंट करा कमला रॉय को शांति की डिफेंस लॉयर, ठीक है, एट अ गवर्नमेंट एक्सपेंस, क्योंकि हमारे देश में कानून है कि कोई गरीब है और अगर वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है ना तो सरकार उसको लॉयर देती है, तो सरकार ने ही शांति को लॉयर प्रोवाइड किया, तो यही हमें इसमें बताया गया है आर्टिकल 22। तो हमारे संविधान का ना आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, हर किसी के पास एक संवैधानिक अधिकार है कि उसको लॉयर डिफेंड करेगा, ठीक है। आर्टिकल 39A कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 39A कहता है प्लेसेस ऑन अ प्लेसेस ड्यूटी अपन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी, मतलब आर्टिकल 39A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है और वो लॉयर हायर नहीं कर सकता है मतलब वकील को पैसा वो नहीं दे सकता है तो ये सरकार की ड्यूटी है कि वो उसको लॉयर प्रोवाइड करे, तो इसलिए शांता को भी लॉयर प्रोवाइड किया गया सरकार के द्वारा। अब एडवोकेट जो थी कमला रॉय वो सॉरी मैं शांता बोल रही हूँ शांति के पास आई, तो फिर शांति जो है वो एडवोकेट कमला रॉय को पेपर दे देती है कि ये मेरे केस के पेपर हैं और मेरे को फॉल्सली मतलब झूठे तौर पर मेरे पे केस लगाया गया है गोल्ड की चेन चुराने का बट ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर वो उसका भाई शांति का भाई ये बताता है कि दे फाउंड मतलब 10,000 रुपये शांति के ट्रंक में उन लोगों को मिले और उन लोगों को लगा कि ये चेन बेच के उसने रखे हैं अपने ट्रंक में, मगर वो तो हम लोग एक साल से हम दोनों अपनी सेफ कर रहे थे। अब 11/12/2006 द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंदेज गोल्ड चेन एंड पोजेशन ऑफ मनी 10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग, तो यही बोलते हैं कि ये चार्जशीट जो उसी के बारे में है कि जो 10,000 रुपये मिले हैं और मतलब
जो चेन चोरी हुई है और उसके एविडेंस में ये मान रही थी कि 10,000 रुपये मिले हैं, तो मतलब हाँ इसी ने चुराई है। तो जो वही हमेशा शिंदे कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि इसने मेरी चेन चुराई है, तो इस पर केस होगा, मतलब किया जाए। अब देखिए अगला साल आ गया 8/3/2007, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन केस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। तो क्योंकि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, अभी हम आगे इसमें देखेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जो जैसे कि क्राइम किया है किसी ने, ये जो थेफ्ट होता है ना, जो चोरी होती है, चोरी मतलब क्राइम अगेंस्ट पूरी सोसाइटी होता है, मतलब चोरी करना तो पूरी पूरी सोसाइटी के खिलाफ क्राइम है, इसलिए इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बुलाया गया। ही प्रेजेंट मिसेस एंड मिस्टर शिंदे केस एज अ की विटनेस। तो मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है वो की विटनेस हो जाएंगे इस केस में, क्योंकि भाई उनकी चेन चोरी हुई है, उन लोगों ने भाई उसका शांति का ट्रंक जब चेक किया तो 10,000 रुपये मिल गए, तो पुष्टि हो गई कि भाई हाँ चुरा करके बेच दिए और ये उसके पैसे हैं। तो यही बताया गया, सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। तो इन्होंने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जो कि वो मिसेस शिंदे से पूछने लगे कि आप ये बताइए कि जो ये चेन है ये किस तरीके से गायब हुई थी। तो ये मिसेस शिंदे बताने लगी कि मैंने जो चेन है वो ड्रॉर में रखी थी, और जब मैं कोई आउटसाइडर कोई बाहर का इंसान तो घर में आता नहीं है, और फिर मेरी चेन गायब थी, तो मैंने शांति का जब ट्रंक चेक किया, ट्रंक मतलब बक्सा, तो उसमें 10,000 रुपये का एनवलप मिला, और ये उसको पक्का उसने 10,000 रुपये और कहाँ से आएंगे उसके पास, उसने जो मेरी गोल्ड चेन है उसको बेचा होगा तभी वहाँ से आए होंगे। फिर जो दूसरी एडवोकेट है जो शांति के लिए केस लड़ रही हैं, वो मिसेस शिंदे से कहती हैं कि तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा है, ना ही आपने शांति के पास से चेन निकाली है। तो ऑल्सो तीन साल से शांति आपके वहाँ काम कर रही है और कभी भी उसने ऐसी कोई चोरी नहीं करी, ना ही आपके घर से कोई चोरी हुई है, और आप रेगुलरली हर महीने आप उसको 1,000 रुपये महीने के पे भी कर रही हैं। मतलब 3 साल से आपके घर में शांति काम कर रही है, आपके घर में 3 साल से कोई चोरी नहीं हुई है, और एक महीने आप हर महीने जो है 1,000 शांति को देती हैं। तो ये कहती हैं कि हाँ ऐसा ही है। फिर 20/4/2007 को क्या होता है, एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस। तो डिफेंस विटनेस के तौर पर सुशील को, ठीक है, और उसका जो एम्प्लॉयर जिसने सुशील को नौकरी पर रखा हुआ है उसको बुलाया जाता है। थ्रू देयर टेस्टिमनीज शी इज़ एबल टू शो दैट 10,000 फाउंड इन शांति'स ट्रंक कुड वेल बी अर्निंग्स ऑफ सुशील एंड शांति। तो फिर वो ये प्रूव कर देती है कि जो 10,000 रुपये शांति के ट्रंक से मिले हैं वो शांति और सुशील के कमाए हुए पैसे हैं, मेहनत की कमाई है। तो ये प्रूफ कर देती है वो जो लॉयर है। तो जैसे ट्रायल जो है कंप्लीशन पे पूरा कंप्लीट होने वाला होता है 14/5/2007 तक, सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज़ बस्टेड अ गैंग। सुशील को पता लगता है कि जो इंस्पेक्टर शर्मा है उन्होंने एक गैंग को का पूरा पता लगा लिया है जो कि ज्वेलरी चुराता है, और मिस्टर जो शिंदे हैं, जो शिंदे थे मिस्टर एंड मिसेस शिंदे, इनके पड़ोस में जो गैंग ज्वेलरी चुराता था उसके बारे में पूरा पुलिस को पता लग गया है। सम ऑफ मिसेस शिंदे सन्स फ्रेंड, मिसेस शिंदे के जो बेटा है उसके काफ़ी सारे दोस्त भी इस गैंग के पार्ट थे। मिसेस शिंदे चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम। तो वो जिस गैंग को पकड़ा गया, जो गैंग चुराता था सारी की सारी ज्वेलरी, और बिल्कुल मिस्टर शिंदे मिसेस शिंदे के घर के पास वो सारा का सारा काम हो रहा था, उसमें उस गैंग में मिसिस्टर एंड मिसेस शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी मिले हैं, और वो चेन भी उनके पास ही मिल गई। तो सुशील टेल एडवोकेट रॉय, सुशील ने एडवोकेट रॉय को इसके बारे में बता दिया। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंसिव विटनेस। तो इंस्पेक्टर शर्मा को डिफेंस विटनेस के तौर पर बुलाया गया। फिर उनसे पूछा जाता है, ये पूछती हैं कि इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि आपको क्या पता लगा है। तो इंस्पेक्टर शर्मा बोलते हैं कि जो चेन आइडेंटिफाई कर ली है मिसेस शर्मा ने कि वो उनकी है, गैंग को बस्ट कर दिया गया है, और हु हैड स्टोलन द चेन, दीज बॉयज हैव एडमिटेड दैट दे हैव स्टोल द चेन, और लड़कों ने मान भी लिया है कि उन्होंने ही ये चेन चुराई थी। फिर 15/7/2007 अगले दिन जज ये सारी की सारी चीज़ सुनता है, सारे के सारे विटनेस की बातें सुनते हैं जज, और पूरी टेस्टिमनी इंस्पेक्टर शर्मा एडवोकेट रॉय ये सब की सुनने के बाद आर्ग्यूज बिफोर द कोर्ट दैट इट हैज़ नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट शांति इज़ इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। कि तो एडवोकेट रॉय बोलती हैं कि आपने देख लिया कि शांति जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है और उनको बरी किया जाना चाहिए। एक्विट का मतलब है सारे के सारे गुनाहों को
कहके कि ये हैं इन्होंने किए नहीं हैं और इनको रिहा कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। तो शांति यू हेयर बाय एक्विटेड ऑफ चार्ज। तो जज बोलते हैं कि आपको एक्विट किया जाता है, सारे चार्ज से मुक्त किया जाता है, पुलिस आपके 10,000 रुपये आपको दे देगी जो कि आपने स्टील नहीं किए हैं, मतलब जो पुलिस वालों ने सील करके रखे हैं वो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। और रिटर्न जजमेंट में ये भी कहते हैं आई हैव मेड इट अ पॉइंट दैट हाईलाइट, ये करते हैं कि जो SI राव थे उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की है इस केस में, ये वाला जो केस था कि शांति ने चुराई है, बहुत ही ख़राब तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई है जिसकी वजह से शांति को ज़बरदस्ती ही इतना टाइम जेल में बिताना पड़ा। तो ये सारा का सारा जो इंसिडेंट था पूरा का पूरा, इससे हम लोगों को समझ में आता है कि क्या होता है प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन, हमारे ये वाली चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसमें एक पुलिस होती है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एक डिफेंस लॉयर होता है और एक जज होते हैं। तो पुलिस होती है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, डिफेंस लॉयर मतलब देखिए क्या होता है ना, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, ए पर्सन ने बी के खिलाफ केस किया है, तो अब बी को खुद को डिफेंड करना है कि भाई हमने, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। तो ये जो लॉयर अपॉइंट करता है ना इसको डिफेंस लॉयर कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ए ने बी के खिलाफ केस किया है, ए को अपने आप को डिफेंड करना है कोर्ट में, तो ये जो लॉयर होता है ना इसको डिफेंस लॉयर कहते हैं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकार, मतलब जैसे कि इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, क्यों, क्योंकि इसमें क्राइम जो है ना वो पूरी की पूरी सोसाइटी के खिलाफ माना जाता है, चोरी का क्राइम किसी एक पर्सन के खिलाफ नहीं माना जाता, इसलिए इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगा है, सरकारी वकील लगा है। और खैर इस वाले केस में ये जो हमने पढ़ा था इसमें जो डिफेंस लॉयर है वो भी सरकारी है, क्यों, वैसे नहीं सरकारी होगा अगर कोई रिच पर्सन होगा या कोई इतना ऐसा पर्सन होगा जो अफोर्ड कर सकता है लॉयर को, क्योंकि शांति मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। तो इसलिए आर्टिकल 22 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें हक देता है कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, तो इसलिए सरकारी वकील जो है दिया जाता है शांति को। तो ये चीज़ हमें समझ में आई। अब आगे आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। तो पुलिस का क्या रोल होता है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने में, कोई भी जो क्राइम हुआ होता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, विटनेस मतलब जिसने देखा हो, ठीक है, या फिर हाँ मेनली जो उसने देखा हो या फिर जो वहाँ पे मौजूद हो उसको विटनेस कहते हैं। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है विटनेसेस के, और अलग अलग एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, अलग अलग तरीके के एविडेंस इकट्ठा करते हैं कि क्या क्या उससे रिलेटेड, अच्छा जो क्राइम हुआ है उसके कुछ ना कुछ सुराग जो होंगे, है ना, वो एविडेंस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। अब पूरे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कर लिया, अब कोई एक ओपिनियन उन्हें बनानी होती है कि अच्छा ये मुजरिम हो सकता है। अगर पुलिस को लगता है कि एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल अ चार्ज शीट इन द कोर्ट। जब पुलिस को लगता है कि अच्छा ये सारे के सारे एविडेंस हैं और ये जो एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन मतलब जिसके खिलाफ केस किया गया होता है, अच्छा ठीक है सारे एविडेंस उसके खिलाफ हैं, तो अब जो है पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है कोर्ट में। एज स्टेटेड एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमें चैप्टर के बताया गया है, ये पुलिस का काम नहीं होता है कि पर्सन को ये ठहराना कि पर्सन ने कुछ गिल्टी मतलब कुछ गलत किया है या फिर इनोसेंट है, उसने गलत नहीं किया है, ये काम तो जज का होता है, ये पता लगाना कि उस इंसान ने जिसके खिलाफ केस किया गया है कुछ गलत किया है या नहीं। पुलिस का तो सिर्फ इतना ही काम होता है एविडेंस इकट्ठा करना, ठीक है, पुलिस का काम मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होता है, बाकी सारा काम कि कोई कौन सही है कौन गलत है ये काम देखना जज का होता है। यूनिट 2 वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि रूल ऑफ लॉ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ लॉ का ये मतलब होता है विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लैंड, मतलब इसका ये मतलब है कि हर कोई जो है वो इस देश का जो कानून है वो मानेगा, इंक्लूडिंग पुलिस, पुलिस भी देश का कानून मानेगी, सब जो है कानून को फॉलो करेंगे, कानून सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, कानून के सामने सब बराबर हैं, यही होता है रूल ऑफ लॉ। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट करना चाहिए और सारे के सारे रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए ह्यूमन राइट्स को, मतलब मानवाधिकार जो होते हैं, कि इंसान के भी तो राइट्स होते हैं ना, उसको भी पूरी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेट डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइंस बना रखी हैं कि किस तरीके से पुलिस बिहेव करेगी जब किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी,
या डिटेन करेगी। डिटेंशन का मतलब होता है, देखिए डिटेंशन का मतलब आपने किसी को क्राइम करने से पहले ही एक तरह से रोक दिया हो, डिटेन कर लिया हो अपने पास, जैसे कि या तो जैसे क्राइम हो गया है फिर बिठा रखा है पुलिस स्टेशन में, तो वो डिटेंशन होता है। एंड इंटरोगेशन, इंटरोगेशन मतलब जो पूछताछ होती है, ये किस तरीके से पुलिस करेगी, इसकी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बना रखी हैं। पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर, पुलिस को हक नहीं है कि वो जो पर्सन है इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे टॉर्चर करे या मारे। They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offences, किसी भी तरीके का कोई क्राइम हो, ऑफेंस मतलब होता है कोई भी गलत काम, चाहे किसी ने किया हो या कुछ भी है, पुलिस का कोई हक नहीं है कि उसे मारे पीटे या टॉर्चर करे। अब आर्टिकल 22, इस चैप्टर की ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 क्या होता है, तो देखिए आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 22 जो है हमें एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी पर्सन अरेस्टेड द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, ये जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, तो हमारे पास या फिर किसी भी पर्सन के पास जिसको अरेस्ट किया गया है उसके पास ये राइट है जानने का कि भाई उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, और उसके पास ये भी हक है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर उसको, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट, मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है उसको इल ट्रीट या टॉर्चर ना किया जाए। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, और जो कन्फेशंस बात मन बुलवाई जाती है पुलिस के द्वारा, क्योंकि उसको मतलब एक एविडेंस, उसको प्रूफ नहीं माना जाएगा कोर्ट में, क्योंकि कई बार पुलिस काफ़ी टॉर्चर करके बुलवा लेती है, तो उसको एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाएगा। अब बॉय, एक लड़का जिसकी एज 15 साल से कम है और किसी भी वुमेन को पुलिस स्टेशन में क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, सिर्फ क्वेश्चनिंग करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना डीके बसु गाइडलाइंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स डेट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पुलिस को फॉलो करने पड़ेंगे अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेंशन में है या पूछताछ कर रहे हैं। क्या क्या है, पुलिस ऑफिशियल को हमेशा जब भी किसी को अरेस्ट कर रहे हैं या फिर इंटरोगेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल वियर करेक्ट एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन, पुलिस वालों की हमेशा जब वो वर्दी पहनते हैं ना तो उनकी पॉकेट के पास उनका नाम लिखा होता है और उनकी डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ पता होनी चाहिए उस पर्सन को, जिस पर्सन को वो अरेस्ट कर रहे हैं। मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, मतलब एक मेमो बना होना चाहिए कि अच्छा एक अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, किस टाइम अरेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये मेमो होता है, ये सब एक बना होना चाहिए अरेस्ट के टाइम पे, जिस पे डेट भी लिखी होनी चाहिए। और इट शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, और एक वन विटनेस उस पे साइन करे जो देख रहा है उनको अरेस्ट करते हुए, वो फैमिली का भी हो सकता है, जो पर्सन जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस पर्सन की फैमिली का भी वो हो सकता है। और अरेस्ट जो मेमो है शुड बी काउंटर साइंड बाय पर्सन अरेस्टेड, और उस अरेस्ट मेमो को जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है ना उसके द्वारा भी साइन किया जाना ज़रूरी है, और उसके किसी वेल विशर फ्रेंड या कोई भी इंसान जो उसे अरेस्ट करते हुए देख रहा है उसके द्वारा साइन किया जाना ज़रूरी है। पर्सन जिसको अरेस्टेड डिटेन किया गया है उसके फैमिली फ्रेंड या किसी भी वेल विशर को, मतलब कोई भी फैमिली वाला है फ्रेंड वाला है अगर, जैसे कि भाला मतलब फैमिली का कोई भी पर्सन है उसको बताया जाना बहुत ज़रूरी है, पुलिस को, पुलिस बताएगी कि भाई इस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है। अब फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, कोई उस जिले के बाहर रहता है जहाँ पे अरेस्ट हुई है, एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय पुलिस विद इन 8 to 12 hours आफ्टर अरेस्ट, मतलब अगर कोई बाहर रहता है उसकी पर्सन की फैमिली वाला जिसको अरेस्ट किया गया है तो 8 से 12 घंटे के बीच के अंदर अंदर ही मतलब बताना पड़ेगा पुलिस को कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखिए वीडियो बड़ा हो गया है, आगे का पार्ट जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।